हम सब जिंदा रहने के लिए भोजन के साथ साथ कुछ आवश्यक तत्व और कुछ आवश्यक गैसेस लेते हैं और इसके साथ साथ अपने शरीर से कुछ वेस्ट चीजें और कुछ गैसेस को भी बाहर निकालते हैं। पर क्या आपको पता है इस अवशोषित भोजन और इन गैसेस को हमारी सेल के पास कौन ले जाता है और कौन वहां से इस वेस्ट मटेरियल और इन हानिकारक गैसेस को बाहर निकालता है। इन सब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो काम करता है वह है हमारा ब्लड। जी हाँ, सही सुना आपने, हमारा सर्कुलेशन की प्रक्रिया में जो अंग भाग लेते हैं वो एक तंत्र का निर्माण करते हैं या एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहा जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। आज अपने इस टॉपिक में मैं यही समझाऊंगी कि कैसा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है और कौन कौन से ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वह सिस्टम होता है या वह तंत्र होता है जिसमें मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह एक फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहे हैं इनसाइड बॉडी। द सिस्टम दैट मूव्स मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ फ्लूइड इनसाइड बॉडी। तो वो मटेरियल आपका फूड भी हो सकता है, वो मटेरियल वाटर भी हो सकता है, वो मटेरियल ऑक्सीजन भी हो सकता है, वो मटेरियल वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है। ओके, दिस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कॉन्टैक्ट ऑल द ऑर्गन ऑफ बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप का होता है, फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला हम पढ़ेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि हार्ट इसको पंप कर देता है ओपन स्पेस में बॉडी में। ओके, जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे कि कैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है जो ओपन स्पेस है उसमें, और जो ओपन स्पेस होता है बॉडी का उसे कहा जाता है साइनस। ओके, यहाँ से ब्लड का डायरेक्ट जो होता है कॉन्टैक्ट किससे होता है, बॉडी की टिश्यू के साथ, और साइनस के कलेक्शन को कहा जाता है हीमोसील। तो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों जिन एनिमल्स में पाया जाता है वो होते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं या मॉलस्क होते हैं। ओके, अब सेकंड है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बॉडी की टिश्यू के साथ नहीं होता जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा था कि हार्ट जो था वो ब्लड को क्या कर रहा था, पंप करके डायरेक्ट ब्लड को बॉडी के जो ओपन स्पेस है वहाँ भेज रहा था जिसे साइनस कहा जा रहा था, और वहीं से ये ब्लड बॉडी की टिश्यू के साथ कनेक्ट हो रही थी। लेकिन क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करता। ओके, ब्लड सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स में मौजूद होता है, और यहाँ पर हम अर्थवर्म का एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो देखिए कैसे हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है ब्लड वेसल्स में। ओके, और जो ब्लड वेसल ब्लड को लेकर जा रही है कहां से, हार्ट से बॉडी की ओर, उनको क्या कहा जाता है, आर्टरीज कहा जाता है। आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती हैं स्मॉल ब्रांचेस में जिनको क्या कहा जाता है, कैपिलरीज कहा जाता है, और ये कैपिलरी हर ऑर्गन तक जाती है। ओके, और वहां पर ब्लड एक्सचेंज होता है, और इसके बाद वो ब्लड वेसल जो ब्लड को ओके फिर से हार्ट तक ले जाती है उन्हें कहा जाता है वेन।